हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई एम कनक एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्लियरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। सो मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने फिज़िक्स का लेक्चर, क्योंकि मैं रिकॉर्ड लेती हूँ, इसकी वजह से मैं बाद में ही करती हूँ। एंड देन मैं बता दूँ जो स्टडी चैलेंज था वो भी कम्प्लीटेड ही है। ओके, सो यही लास्ट दिन है, मतलब संडे को जब ये वीडियो आएगी कंप्लीट हो चुका होगा। तो स्टडी चैलेंज भी काफ़ी अच्छा गया, प्रोडक्टिव रहे मेरी डेज। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। एंड देन सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना फिज़िक्स का लेक्चर। वैसे तो आई है वो यकीन फर्स्ट वाले के नोट्स, बट सेकेंड वाले में एम आर सर पढ़ा रहे हैं तो मैंने अपने पूरे नोट्स नहीं बनाए हैं, बट ए फोर शीट पर नोट डाउन कर लिया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। और अगर मेरी नोटबुक में जैसे जगह थी तो मैंने वहाँ पे भी लिख लिया है थोड़ा बहुत, या फिर स्टिकी नोट्स लगा के लिख लिया है, मतलब जो भी मुझे लगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको नोट डाउन करना चाहिए, मैंने वही किया। मैंने पूरा पूरा नोट डाउन नहीं किया, ऐसे मैंने सभी सब्जेक्ट्स में किया है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब में। तो अभी तो मतलब मैं फ़िज़िक्स के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करी हूँ, बिकॉज फ़िज़िक्स इतना ज़्यादा भी मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतना बिग भी नहीं है। ओके ओके, तो मेरे से कमेंट में आया भी था कि आपके फ़िज़िक्स में नंबर अच्छे आए हैं तो कुछ टिप्स दे दो, तो मेरे पास कोई टिप्स ऐसी है नहीं। ट्वेल्थ के लिए भी मैंने बहुत ही कम पढ़ाई की थी, बट अच्छे नंबर आए हैं मेरे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। जितना भी मैं पढ़ती हूँ उसका प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो गाइज, मेक श्योर कि आप जितने से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद रहेगा आपको चीज़। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको उस चीज़ का रिवीजन करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जो भी मतलब मैं रेफरेंस बुक यूज़ करती हूँ, मैं वो बता दूँगी आप लोगों को कौन सी मैं यूज़ करती हूँ कौन सी नहीं। सो स्टे ट्यून। तो इस वाले मतलब लेक्चर में सर ने ग्राफ्स वगैरह बताए थे जो कि मतलब यकीन वाले में भी हुए थे, मैं ये नहीं कह रही नहीं हुए थे, बट थोड़े बहुत कुछ अलग भी सर ने कराए हैं, सर्कुलर ग्राफ वगैरह। तो मैंने वो सारे नोट डाउन, मतलब मैंने पूरा ग्राफ वाला नोट डाउन कर लिया क्योंकि मेरा ग्राफ सेक्शन मुझे थोड़ा सा वीक लगता है, इसलिए मैंने अच्छे से पूरा नोट डाउन किया है प्रॉपर। नोट्स देखो, मैंने पहले बता दिया कि मैं पूरे अब नोटबुक में नहीं बना रही हूँ, मैं ए फोर शीट पर बना ले रही हूँ, जो कि चैप्टर उसमें कम्प्लीट चुके हैं ना नोटबुक में, वो मैं ए फोर शीट पे बना रही हूँ। एंड देन जो भी मेरा बचेगा मतलब जो चैप्टर नहीं हुए हैं वो मैं नोटबुक में ही लिखूंगी। सो अभी मेरा लेक्चर फिनिश हो चुका है एंड हेयर इज़ माई लेक्चर नोट्स। देखो लेक्चर नोट्स भी वही रखती हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स अलग से बना लेती हूँ, मतलब फार्मूला शीट कह लो या फिर शॉर्ट नोट्स कह लो, तो मतलब मेरा रिवाइज हो जाए क्विकली उसके लिए। सो हेयर इज़ माई नोट्स। ओके देन मैं एक मतलब ये देखो ये वाली जो क्लिप है वो मीन्स लास्ट वीक की है, बट मेरे को कुछ पूछना था इसलिए मैंने ये ऐड की है क्लिप। अब मतलब जो प्रोडक्ट है वो आप लोग बताना कि हाउ इज़ इट, अगर किसी ने यूज़ किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मे बी बहुत से लोग कवरिंग से ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या है, एंड देन जो नहीं जानते उनको पता लग जाएगा। तो देखो मैंने एक मंगाया है बायोटिक का फेस वॉश है, हाँ मे बी मैंने यूज़ नहीं किया है एक भी बार, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत यूज़ भी कर चुकी हूँ जब तक ये वीडियो आएगी, बट मेरे को अच्छे से नहीं पता है कि ये कैसा है। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि ये कैसा है, अगर किसी ने यूज़ किया है तो थोड़ी बहुत बता दो कि कैसा है ये। वैसे पपाया वाला है, ओके ना। सो इसके बाद देखो मैंने अनबॉक्सिंग के बाद अपने मतलब असाइनमेंट वैसे कंप्लीट कर लिया था, रफ नोटबुक पे किया था, बट फिर मैंने सोचा था कि सारे असाइनमेंट जितने भी होंगे मैं एक बार अपने फेयर नोटबुक पे करूँगी, तो इसलिए मैं वही करने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा कर भी लिया था, मैं भूल गई थी शूट करना, तो ये मैंने इतना कर लिया था। फिर मैंने आगे की मतलब थोड़े बहुत मुझे क्वेश्चन तो आ गए थे, बट जिसमें डाउट था मैंने वही वही मतलब देखे हैं क्वेश्चन। अब मैंने पूरा पूरा नहीं देखी वीडियो, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आए मैंने बस उतनी ही क्लिप्स देखी, और जो मुझे आ गए थे मैंने वो अपनी नोटबुक में से ही नोट डाउन कर लिए। देखो असाइनमेंट की और मैं टेस्ट की अलग ही नोटबुक रखूँगी, मतलब देखती हूँ कि इसी में टेस्ट वाला लिख सकती हूँ मैं। अभी टेस्ट हुआ नहीं है यकीन 2.0 का, मैंने 1 वाले की कोई वीडियो
सॉरी वीडियो नहीं, मैंने नोटबुक कोई नहीं बनाई थी टेस्ट वाली, मतलब मैंने टेस्ट एनालिसिस ऐसे ही कर लिया था रफ नोट में अपना, फेयर वगैरह नहीं किया था, बट मैं अब 2.0 के लिए इसी में मतलब नोटबुक इसी में लिख लूँगी, मतलब जो असाइनमेंट वाली नोटबुक है ना इसी में मैं अपना टेस्ट एनालिसिस का भी करने ही वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग भी अलग नोटबुक बना लो, ये आप लोग नोट्स लेक्चर नोट्स और असाइनमेंट वाली नोटबुक अलग ही रखना, वरना बहुत सारा मैसअप क्रिएट हो जाएगा। तो मैं तो प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग अलग रखो, बट अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो एज योर विश, बट असाइनमेंट और टेस्ट वाली अलग रहेगी तो ठीक रहेगा। और अगर आपको मिस्टेक नोटबुक भी बनानी है तो आप लोग वो भी बना सकते हो, बट मैंने अभी नहीं बनाई है अपनी। ओके सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट यू लाइक एंड एंजॉइंग माई फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी ब्लॉग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड देन स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड कॉमेंट डाउन कि नेक्स्ट चीज़ क्या करूँ, और स्टडी चैलेंज कम्प्लीट हो चुका है, देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।